राम राम जुले, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी करीबन सुबह के शायद 6 बजे होंगे। मैं और मेरा भाया कंडे की तरफ चल पड़े हैं क्योंकि पौष इकट्ठा करने, और ये पौष इसलिए क्योंकि गायों के लिए सर्दियों में काम आता है और ये बहुत ही मुलायम होता है कि गाय मतलब गाय का खुर गर्म रहे। चलो मैं आप लोग को आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सुबह बहुत ही ठंड होता है, उस वजह से हमने थोड़ा आग गाइस मॉर्निंग होने वाला है और बहुत ही ठंड था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा आग जला दिया है। लगभग हमें मिट्टी से ऊपर चढ़ने को एक आधा घंटा लगा पूरा पूरा। फाइनली गाइस बोझा बन चुका है और अब हम जस्ट थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और ये आप व्यू देखो, क्या ही बढ़िया व्यू आ रहा है। बस अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले ही धूप निकला है और हम बहुत ही मेहनत से इसको इकट्ठा किया। 2 घंटे लगे करीबन इसको इकट्ठा करने के लिए, और ये हमारे गायों के लिए काम आता है सर्दियों में जब बर्फ आ रहा होता है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है गायों के लिए। और अब हम निकलते हैं बोझा चकते हुए। और धूप की किरणें कैसे आ रही देख सकते हैं आप लोग। पहाड़ों में कुछ अलग ही मजा है रहने का। आप देख सकते हैं हम लोग कितने ऊपर से नीचे उतरे हैं। इससे भी ज़रा पीछे था वो, तो आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। अभी जस्ट हम यहाँ पहुँचे, नीचे उतरने को हमें आधा घंटा लग गया था और अब हम घर पहुँचते हुए। और आप देख सकते हैं हमने इससे पहले भी कितना सारा पौष ला के इकट्ठा कर दिया है सर्दियों के लिए स्पेशली। Thank you for watching guys, like, comment and subscribe please.